मेरा दिल तेरे को दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद। इस एयर टैग को मैं ऐसे जोर से फेंक के देखता हूँ। वेल गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज आ चुका है नीचे एंड अभी मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। एक मिनट, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करेंगे, काफी एक्साइटेड हूँ। ओके, मैंने मंगाया है एप्पल एयर टैग्स, चार मंगाए थे मैंने। वैसे आई गेस यहाँ पर सिंपल है काफी। एंड बेसिकली आज का वीडियो इज ऑल अबाउट एयर टैग्स, थोड़ा सा मजा करेंगे एयर टैग्स के साथ, यू नो, एंड एक्चुअली में टेस्टिंग भी करेंगे। वेल गाइस, ये है एप्पल के एयर टैग्स, फोर पैक वाला इसका पैकेजिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो फोर पैक लिखा हुआ है। एंड अगर मैं बैक साइड में इसको दिखाऊंगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो 10,900 है, तो एग्जैक्टली वही अमाउंट मैंने पे किया है, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिला था। तो बेसिकली द रीजन मैंने इसको ये मंगाया है क्योंकि अभी मैं 17th को जाने वाला हूँ दुबई फॉर नास समिट, तो उधर ऑलमोस्ट 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं। तो एयर टैग्स मैंने इसलिए मंगाया ताकि मैं अपने लगेज में इनको रख सकूँ, फॉर एनी रीजन, पासपोर्ट बैग, लगेज या कोई भी चीज कहीं पर भी गुम हो जाती है तो मैं इनको ट्रैक कर सकता हूँ। एंड मोस्टली आईफोन 12 से लेकर ऊपर सारे आईफोन्स में आपको यूएन चिप मिलता है जिसमें ये डायरेक्टली आपको लोकेशन बता सकता है। सो देयर इज अ सील हियर जिसको मैं कुछ इस तरह से खींचना पड़ेगा। ओके, सो हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। एयर टैग्स की तरफ देखते हैं, मस्त एक बुक की तरह ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ चार एयर टैग्स इस तरह से लगे हुए हैं, एक एक करके निकालेंगे। ये पूप वाला मैंने इमोजी डाला था, मैं मस्त प्लास्टिक निकालता हूँ मैं कुछ। सो गाइस, जैसे मैंने ये प्लास्टिक निकाला, एयर टैग्स में से एक साउंड आया विच मीन्स कि ये इनिशियलाइज हो चुका है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने एक ई करवाया था, एक मैंने स्टार करवाया है यहाँ पर, और एक हार्ट करवाया था। सो गाइस, पूप एयर टैग इज नाउ रेडी टू गेट कनेक्टेड। तो गाइस, आईफोन आ चुका है, अभी एयर टैग जो है मैं पास लेके आ गया, तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल गया है मुझे। सो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले। सो अभी वो सेटअप कर रहा है। बेसिकली अभी ये एयर टैग मेरे एप्पल आईडी से कनेक्ट हो चुका है, अब माई फाइंड ऐप पर आ चुका हूँ एंड ये मुझे एग्जैक्टली मेरा प्रिसाइज लोकेशन बता। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जैसे कि प्ले साउंड एंड फाइंड वगैरह, तो मैं प्ले साउंड पर करता हूँ। सो अगर आप एक रूम में हो और ये एयर टैग कहीं पर भी रहेगा तो आपको एकदम इजीली समझ जाएगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। सो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था एयर टैग्स को एंड अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। इस एयर टैग को मैं ऐसे जोर से फेंक के देखता हूँ एंड फिर फेंकने के बाद मैं मैप में चेक करता हूँ कि वो एक्चुअली मूव होता है कि नहीं। क्या लगता है, कैसा आइडिया, ट्राई करना चाहिए, कमेंट में बताओ जरूर। वैसे ये एयर टैग अगर आपको ओपन करना है तो बेसिकली कुछ ज्यादा करना नहीं होता, पीछे का स्टेनलेस स्टील है, इसको बस प्रेस करना है एंड टर्न करना है। एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने के बाद इसका जो बैक है वो निकल जाता है और अंदर हमें एक ये जो वॉच वाली बैटरी होती है CR2032 ये आपको अंदर मिल जाती है। तो इसका मोस्टली 1 साल का यूजेज आप पकड़ सकते हो, 1 साल तक आपको आराम से चल जाएगा। तो हम इसको अंदर डाल देंगे, को लगा देंगे और फिर प्रेस करके आपको क्लॉकवाइज वापस से घुमा देना है। वेल, फन एक्टिविटी विद एलिमेंटेक टाइम गाइज। सो मैंने अपने भाई को अपने दो एयर टैग्स, मतलब मेरा हार्ट वाला एंड पूप वाला एयर टैग छुपाने बोला है घर में। अब मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ है, कहाँ पे छुपाया है, बट देन ऑब्वियसली आई नो कि वो घर में है। ओके, ये रूम में आ चुका हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ ढूंढने का, बट यहाँ पर भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। सो अब मैं आ चुका हूँ अपने हॉल में एंड हॉल में भी मुझे यहाँ पर कहीं पे सिग्नल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इस रूम में भी ये नहीं है। ओके, यह कनेक्ट हो चुका है, इट विल शो मी द डिस्टेंस नाउ, 1.1 मीटर पर है, एरो दिख गया है कोई यहाँ पर, एंड अभी वाइब्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, तो इसे यही पे कहीं है। आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड इट, वाइब्रेशन ज़्यादा होते जा रहा है एंड इट्स समवेयर हियर। ये देखो, सो ये वाला एयर टैग यहाँ पर आ चुका है वापस से पौधों में, एयर टैग जो है वो मिल चुका है। सो गाइस, एक एयर टैग तो मुझे मिल गया था, बट ये जो दिल वाला एयर टैग है नहीं मिला है दिल वाला, बिकॉज एक्चुअली हुआ ये था कि इसका जो मेरा बैटरी जब मैंने निकाला था चेक करने के लिए कि कैसे खुलता है ये एयर टैग, तो तब ये शायद रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे फ़ोन से वो कनेक्टेड नहीं था, इसलिए मैं रूम में होकर भी वो मुझे शो नहीं कर रहा था। सो वापस से इस एयर टैग को मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया एंड वापस से पूरा सेटअप होने के बाद अभी वो शो कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया हुआ है एंड मैं उसको अपना एयर टैग एक देने वाला हूँ, अपना दिल उसको दूंगा, मेरा दिल लेके चले जा जहाँ जाना है। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो बस एयर टैग एक लेके जाएगा एंड वो वहाँ पर जाके रुकेगा, मैं अपने फ़ोन से ट्राई करूँगा उसको ढूंढने का। सो अभी वो आ रहा है मेरे यहाँ पर, जैसे आएगा मैं उसको दे दूंगा एंड विल स्टार्ट द हाइड एंड सीक। सो गाइज, आशीष पवार इज हियर राइडिंग स्पिरिट, इसको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मस्त ऑटोमोटिव कंटेंट, मेरा दिल तेरे को दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद। इस दिल का ज्यादा करीब मत रखना। तो अभी ये जाएगा एंड जहाँ पर भी उसको रुकना है वो जाके छुप जाएगा एंड फिर मुझे कॉल करेगा, तो जल्दी से पहुंच के मुझे बताना और फिर मैं आता हूँ ढूंढने के लिए तुझे। 3 weeks later तो आ ही गया रहेगा अभी। तू किधर है ऐसा? हाँ।
नहीं रे, तो मैं यहाँ पर लॉस्ट मोड जो है ना एनेबल कर देता हूँ, जिससे फिर वो एयरटैग ऐसा लॉस्ट मोड में आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, एंड्रॉइड टैप करना है बस, NFC चालू करके? हाँ नहीं, हाँ NFC चालू करके अपने फोन को टैप कर वो। ओके ओके टैग, हाँ ठीक है, लॉस्ट मोड में डालता हूँ अभी मैं। सो गाइस, आशीष तो अभी चला गया है एंड अभी मैं उसको ट्रैक कर रहा था, तो अब तक तो मिल नहीं रहा था एंड जैसे कि आपने वो रिकॉर्डिंग देखा ही हो गया, मैं कॉल पे था उसके साथ। तो जब मैंने लॉस्ट मोड यहाँ पर एक्टिवेट किया आईपैड में, मैं देख रहा हूँ लोकेशन, तो लॉस्ट मोड एक्टिवेट करने के बाद जब उसने अपना टैग अपने फोन के साथ कनेक्ट किया, तो तब शायद जाके अब मुझे यहाँ पर लोकेशन बता रहा है। One eternity later. So guys, मैं अप्रोक्सीमेट लोकेशन पर तो आ चुका हूँ एंड अभी मैं यहाँ पर ढूंढने का ट्राई करूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर है वो रुका हुआ। अभी वो सिग्नल सर्च करने का ट्राई कर रहा है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर जो प्रिसाइज लोकेशन है वो सर्च कर रहा है सिग्नल के लिए एंड इट्स आस्किंग मी टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन। अभी थोड़ा सा ढूंढने का ट्राई करते हैं आजू बाजू कि कहाँ है। सो यहाँ पर गाइस कनेक्शन जो है मिल चुका है, बट देन एरो अब तक नहीं आ रहा है, बट हमें हमारा इंसान मिल चुका है यहाँ पर, फाइंड आउट कर लिया है एंड अभी वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुका है फोन में वापस से, जैसे अच्छा। भी पास में जाऊँगा सो मिल गया, ये हमारा दिल हमारे पास है। सो मुझे पूरे टाइम तक इस एयरटैग का जो लोकेशन है वो मेरे घर के यहाँ पर ही बता रहा था, बट जैसे मैंने लॉस्ट मोड अनेबल किया, तो लॉस्ट मोड अनेबल करने के बाद इमीडिएटली इसको भी एक नोटिफिकेशन आ गया। तो NFC एनेबल्ड एंड्रॉयड अगर रहेगा तो उसके पास में एयरटैग रहेगा तो उनको नोटिफिकेशन आएगा, एक पॉपअप आ जाता है बेसिकली। एंड फनी थिंग इज़ कि ये कनेक्शन बहुत ही एकदम सुपर था, बिकॉज जब मैं लॉस्ट मोड में डाल रहा था हम लोग कॉल पर ही थे दोनों भी, एंड कॉल पर जैसे मैंने एनेबल करके एंटर किया लॉस्ट मोड, इमीडिएटली इसको एक पॉपअप आ गया एंड वो बहुत ही फास्ट कनेक्शन था। आई मीन मैं खुद शॉक हो गया कि मतलब एयरटैग को कैसे समझा कि लॉस्ट मोड अनेबल हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी भाई बहुत सही है, मेरे को तो पसंद आया। डजंट डिपेंड ऑन द लोकेशन, बेसिकली द डिस्टेंस जो हम दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप था। एग्जैक्टली, तो कितना भी डिस्टेंस हो आपके और आपके एयरटैग के बीच में, अगर उसके आसपास एक आईफोन है या फिर लॉस्ट मोड होने के बाद कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आई गेस कनेक्शन में आ जाता है विद NFC एनेबल्ड, तो आपको आपका जो भी खोया हुआ चीज़ है वो आराम से मिल जाएगा। सो फाइनल वर्डिक्ट की बारी आती है, क्या आपको 10,000 या फिर 3,000 इन्वेस्ट करके ये एप्पल एयरटैग खरीदना चाहिए? तो आई विल से येस, इट वर्क्स, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो। जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजीज बढ़ेगी, जैसे जैसे आईफोन्स लोग खरीदेंगे, वैसे वैसे ये और ज़्यादा पावरफुल होते जाएगा। बट अगर आपके पास कोई वॉलेट है, बैग है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कहीं जाते वक्त एकदम सेफ रखना चाहते हो, आई विल डेफिनेटली से कि एक एयरटैग लेके उसमें डाल देना। एप्पल के एयरटैग्स ही ऐसे हैं जो आप एकदम प्रिसाइजली ढूंढ सकते हो कहीं पर भी। एनीवेज, अगर आपको फॉर एनी रीजन ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ, बिकॉज आई एम सीइंग कि ऑलमोस्ट 99% लोग सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप अगर उनमें से हो नीचे आओ, जल्दी से सब्सक्राइब करो। एनीवेज, अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें दे साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।